24 मई 2019 फ्राइडे, अ ब्लैक डे। आप सबको अच्छे से पता ही है कि उस दिन क्या हुआ था। गुजरात के सूरत के कोचिंग क्लास में आग लग गई और बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इस किस्से ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वो जो क्लिपिंग घूम रही है, हम यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकते, उसे देखकर किसी की भी सांसें थम सकती है, रुक सकती है। आप सब ने देखी होगी वो क्लिपिंग। कल रात को कुछ फोटोग्राफ्स मुझे किसी ने व्हाट्सअप किए थे। पेरेंट्स बच्चों को ढूंढने के लिए अब कुछ फोटोग्राफ्स लेकर हॉस्पिटल गए थे, उनकी बॉडी को पहचानने के लिए। कोई चूड़ी से पहचान रहा है, कोई अंगूठी से पहचान रहा है। बॉडी की वो हालत ही नहीं थी कि उसको पहचान सके कि ये किसकी बॉडी है। ज़रा सोचो किस तरीके से उनकी जान गई होगी। इस किस्से ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सब हुआ भी तो है गुजरात में। गुजरात एक फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल स्टेट है। यहाँ पर पैसा है, फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, सब कुछ है। वो भी सूरत में हुआ है। सूरत एक ऐसा सिटी है जिसका पूरे भारत के विकास में और गुजरात के विकास में बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसी जगह पर ऐसा कुछ होता है और लोगों के पास, सिस्टम के पास उस सीन को देखने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होता है, क्योंकि आग चौथे फ्लोर पे लगी है और नीचे हजारों लोग खड़े हैं। इतने सारे फायर ब्रिगेड के ट्रक खड़े हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था कि वहाँ पर जाए या तो फिर वहाँ से बच्चों को बचा सके। या वी कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास स्मार्ट सिटीज़ है, एजुकेशन है, पैसा है, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन में हम सब नीचे खड़े खड़े देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से शूट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? आप सबने वो क्लिपिंग देखी होगी कि बच्चे फोर्थ फ्लोर से कूद रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था। कोई फोर्थ फ्लोर से कूदने की हिम्मत कब करता है? नीचे जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे कि फायर ब्रिगेड वाले 40-45 मिनट के बाद आए थे। तो लेट आए, वो भी 3-4 टैंकर लेके आए थे शुरू में, बाद में ज़्यादा टैंकर आए, और आने के बाद भी उनके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट ही नहीं था कि उनको सपोर्ट कर सके, उनको बचा सके। जो सीढ़ियाँ थी वो ठीक से खुल नहीं रही थी, फर्स्ट फ्लोर पर तक पहुँच रही थी। जो पानी का फोर्स था वो थर्ड फ्लोर तक पहुँच रहा था। कोई नेट नहीं थी कि बच्चों को कैच कर सके। तो क्या अभी तक किसी ने कोई चेक ही नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होगा तो हम ये सब चीज़ें कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे? फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं कि बिल्डिंग की परमिशन 2 मालिक की थी, 2 फ्लोर की थी, और यहाँ पर 4 फ्लोर बना दिया है। बिल्डिंग वाले कहते हैं कि आग तो शॉर्ट सर्किट से लगी है। सबके पास अपने अपने जवाब है। गलती किसी की भी हो, भुगतना किसे पड़ा? उन बच्चों को जिनका ये सब मैटर के साथ कोई लेना देना नहीं है। कुछ बच्चे तो अभी अभी जस्ट 12th पास किया था, वो भी अच्छे रिजल्ट के साथ। हमने ये वीडियो किसी की गलती निकालने के लिए या तो फिर ज्ञान बांटने के लिए नहीं बनाया, नहीं। हम जस्ट हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो कोई भी गवर्नमेंट का आदमी देख रहा है जिसके हाथ में थोड़ा सा भी पावर है, तो उनसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी चीज़ों को स्किप करके हमको जो फैसिलिटीज़ देते हो उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, चलेगा, इट्स ओके। आप यहाँ पर पैसा खर्चा करो। और कोई भी आज कहीं पर भी स्कूल खोल के बैठ जाता है, ट्यूशन क्लासेस लेके बैठ जाता है, क्यों? कानून तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि अब जो काफ़ी सारे स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे स्टेप है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ होने के बाद ही ये सब कानून बने हैं? पहले भी थे, तो इसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता है? तो सूरत वाले किस्से के बाद गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लिए हैं उसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम पेरेंट्स से भी कुछ कहना चाहते हैं। देखो, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, लेकिन हमको भी हमारी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। हमने भी कुछ गलतियाँ की है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने पूरे गुजरात में चेकिंग शुरू कर दिया है, सब जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। टोटल पूरे गुजरात में 9,500 बिल्डिंग को फायर सेफ्टी के लिए नोटिस भेजी गई है। टोटल 713 टीम बनाई गई है जो पूरे गुजरात में चेकिंग कर रही है, ऑडिट कर रही है। इनकी परमिशन के बाद ही उस बिल्डिंग को चलाया जाएगा। जिन जिनको नोटिस मिली है उनको 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ फायर सेफ्टी के लिए करना होगा, प्रूफ देना होगा, रिपोर्ट देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। और भी आगे ऐसे इश्यू ना हो, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया गया है। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ की, जो कर रही है और करेगी। अब बात आती है हमारी। देखो, ये बात बहुत बहुत जगह पर हो चुकी है, बहुत बार हो चुकी है, बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने ये बात की है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधार की ज़रूरत है, उसे बदलने की ज़रूरत है। सदियों से हमारे दादा के दादा के दादा जो पढ़ रहे थे, जिस तरीके से पढ़ रहे थे, आज हम वही तरीके से पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। ज़माना बदल गया है फिर भी, लेकिन चलो सरेंडर करते हैं यार, नहीं बदलना है सिस्टम को। लेकिन हम लोग उसके बदलने का वेट क्यों कर रहे हैं? क्या वो बदलेगी तभी हम बदलेंगे, तभी हम सुधरेंगे? हमारे बच्चों को आज प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में क्या पता है? बच्चों का शेड्यूल क्या होता है आज का?
सुबह उठ के ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आने के बाद स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद फिर से ट्यूशन जाना, रात को रीडिंग करना, सुबह उठ के फिर से ट्यूशन जाना, फिर ट्यूशन से आने के बाद स्कूल जाना। इस पे प्रैक्टिकल लाइफ कहाँ आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ आता है? आप आपके बच्चे को कभी पूछा है क्या कि बेटा तेरे को प्रैक्टिकली क्या आता है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो तू क्या करेगा? कभी हम ये सब बातें नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर ये सब चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाई जाती है कि फायर सेफ्टी के लिए क्या करना है, अगर बाढ़ आ जाती है तो क्या करना है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या करना है, रोड पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना है, क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को शांत कैसे रखना है, ये सब चीज़ें हमको हमारे देश में कौन सिखाता है? अरे सिखाने का छोड़ो यार, कौन बताता है? हमको तो ये भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता भी है, ये सब चीज़ें सीखी भी जाती है। बच्चों के पास आज किताब का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, घर में गोल्ड मेडल्स पड़े हैं, अवार्ड्स पड़े हैं, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन में सर्वाइव करने का जो नॉलेज है उसके मामले में हम लोग कहाँ पर है? और इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, उनको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया गया है कि वो कुछ सीखे। क्यों नहीं सिखाया गया है? क्योंकि ये सब चीज़ें सीख के क्या करोगे, इससे जॉब थोड़ी मिलती है, और ट्वेल्थ का जो मेरिट बनता है उसमें ये सब थोड़ी पूछा जाएगा, इसे मैरिट थोड़ी बनेगा, इसे मार्क्स थोड़ी तुम्हारे ऐड होंगे उसमें। मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था, मुझे किसी ने भेजा था, श्रुति अग्रवाल करके कोई राइटर है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। अगर आपके पास कहीं पर घूमते हुए आ जाता है, काफ़ी जगह पर वो शेयर हो रहा है व्हाट्सएप पे, अगर आपके पास आ जाता है तो कृपा करके उसे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड में 3 साल के बच्चे को पता होता है कि अगर आग लगती है तो क्या करना होता है, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें 3 साल की उम्र में स्कूल में सिखाई जाती है। अगर कहीं पर आग लगती है तो आपको 3G रूल यूज़ करना चाहिए, गेट डाउन, गेट क्रॉल एंड गेट आउट। गेट डाउन मतलब जहाँ पर भी हो आप वहाँ पहले झुक जाओ, क्योंकि आग हमेशा ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है। गेट क्रॉल मतलब घुटने के बल पर चलो, खड़े होके मत चलो, भागा भागी मत करो। एंड थर्ड इज गेट आउट, शांत दिमाग से सोचो कि आप कहाँ से एग्जिट कर सकते हो। अगर आप हड़बड़ा जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जाना कहाँ पर है। सूरत वाले किस्से की बात करें तो काफ़ी बच्चे विंडो से कूद गए थे, चलो अच्छा किया, एटलीस्ट उनकी जान जलने से तो बच गई है, काफ़ी लोग जो कूदने वाले थे उसमें से काफ़ी लोग बच गए हैं। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर उनके पास ट्रेनिंग होती ये सब चीज़ों की, उनको थोड़ा सा नॉलेज होता, तो सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। उस आर्टिकल में एक और बात लिखी थी कि आजकल हम सब ज़्यादातर लोग जींस के कपड़े पहनते हैं। जींस का कपड़ा पूरी दुनिया में जितने मजबूत कपड़े हैं उनमें से एक माना जाता है। सूरत वाले किस्से में जींस के कपड़ों को मिलाकर रस्सी बनाई जा सकती थी, लेकिन हाँ ये बात भी है कि हमको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उस वक्त क्या सिचुएशन रहा होगा, इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक सिचुएशन रहा होगा। लेकिन यही तो ट्रेनिंग की बात है ना, उन बच्चों को अगर कहीं भी पहले कहीं पर भी ऐसी ट्रेनिंग मिली होती, उनको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या करना होता है, अगर उनको ये पता होता तो कुछ हो सकता था। फायर सेफ्टी के लिए एक और बात कही जाती है कि अगर कहीं पर आग लगती है और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल वक्त नहीं है आपके पास सोचने के लिए क्या करना क्या नहीं करना, सबसे पहले आप अपने कपड़े उतार के फेंक दो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, देख के क्या सोचेंगे। एक बार कपड़ों में आग लग जाती है तो वो कपड़े बॉडी पर चिपक जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है। जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उसमें से एक लड़की का नाम था कृष्णा। कृष्णा के पापा ने बताया कि जब आग लगी थी तब कृष्णा का फ़ोन आया था। उसने कहा था कि पापा यहाँ पर आग लगी है और जो सीढ़ी है यहाँ से नीचे उतरने की वो लकड़ी की है और पूरी तरीके से जल चुकी है, तो वहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर एक खिड़की है जहाँ से सब लोग कूद रहे हैं, तो मैं भी कूदने जा रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़िंदा बच जाऊँ। थोड़ी देर के बाद उसके पापा ने फ़ोन किया तो फ़ोन किसी और ने उठाया और कहा कि आपकी लड़की अभी दुनिया में नहीं है। ज़रा सोचो कि क्या बीती होगी उनके ऊपर। ऐसे कितने सारे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स को अभी आते हैं ऐसा कह के निकले होंगे बच्चे और वो लोग वापस नहीं लौटे हैं। ये सारा जो हुआ, जो भी दृश्य हुआ, वो बहुत सारे लोग नीचे खड़े रहकर देख रहे थे, लेकिन उसमें से एक बंदा था केतन जोरवाड़िया, जिसने ये देखा नीचे से। उसने ये सोचा कि मैं इन सबको कैसे बचा सकता हूँ। वो बंदा आग लगी हुई है फिर भी पीछे से ऊपर चढ़ के 10 बच्चों की जान बचाई। उसने आगे आके पाइप से चढ़ के 3rd फ्लोर पर जाके 2 लड़कियों की जान बचाई। ये उनका फ़ोटो है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने बहुत सारे लोगों को वायरल कर दिया है, बिना कुछ करे ना करे, उन्होंने किया नहीं किया, बहुत सारे लोगों को हमने वायरल कर दिया है। ये उनका फ़ोटो है, प्लीज़ सर्च कीजिए इनके बारे में और इनकी स्टोरी को इनके फ़ोटो के साथ आपके प्रोफाइल में लगाइए, सब जगह पर शेयर कीजिए, लोगों को ये पता चले कि ऐसे भी लोग हैं। ये है सुपर हीरोज़, ये हमारे रियल हीरोज़। ऐसे लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे लोग भी हैं हिंदुस्तान में। हम प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। सी यू सून, टेक केयर।